हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड गेट। दिस इज यज्ञ नारायण शुक्ला एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चंस व्हिच कम इन दिस गेट 2022 एग्जामिनेशन एंड द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो द ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर कम इन दिस एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टू वेक्टर्स x and y shown in the figure, the projection vector of x and y is. So what is the projection of vector x on y? So here two vectors are given, the first vector is y and other is x. So what question is asking, listen carefully, the projection vector of x on y. So x vector ka projection kis mein nikalna hai, y mein nikalna hai। प्रोजेक्शन इज बेसिकली क्या है प्रोजेक्शन, आप इस बात को समझो, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एंगल थीटा और एक्स का जो कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, हमें बेसिकली ये निकालना है। जब आपको प्रोजेक्शन कहे कि एक्स का प्रोजेक्शन वाई में, तो एक्स का वो कंपोनेंट जो वाई के डायरेक्शन में है वो निकालना है बेसिकली। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस में, वाई में, तो एक्स कॉस थीटा ये लेंथ होगी, ये वाली लेंथ आप कह सकते हो एक्स का एक प्रोजेक्शन है एक्स कॉस थीटा इन द वाई डायरेक्शन। यही तो है बेसिकली क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज द सेम, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ एक्स ऑन वाई। अब वो कह रहा है प्रोजेक्शन नहीं चाहिए हमें, प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, तो ये एक्स कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन। क्वेश्चन इज आस्किंग प्रोजेक्शन वेक्टर, आप केयरफुली सुनिएगा समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्शन वेक्टर, सो वी ऑल नो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे टू वेक्टर से सपोज वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर वाई इज इक्वल्स टू एक्स का मैग्नीट्यूड एंड वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो बेसिकली एक्स वेक्टर रहा और ये रहा कॉस थीटा, यही चीज होती है प्रोजेक्शन ऑफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो आप यहां से निकाल लीजिए x cos थीटा, ठीक है ना, मैं ये मैग्नीट्यूड को जस्ट x लिख रहा हूं यहां पे, तो x cos थीटा, तो यहां से बनेगा क्या, x वेक्टर डॉट y वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y, मैं डायरेक्टली y लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा फिलहाल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ x वेक्टर इन द y डायरेक्शन। अब आपको वेक्टर लिखना है, प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना है, प्रोजेक्शन वेक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, y की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड यू विल हैव टू से द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। तो y वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड है x डॉट y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y इनटू, ये तो मैग्नीट्यूड रहा, डायरेक्शन क्या होगी, y वेक्टर डिवाइडेड बाय y मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज ए वेक्टर है, तो आप इसका एक मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली ए डायरेक्शन आ जाएगी, ए डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या है, ये एक्स कॉस थीटा, तो हमने एक्स कॉस थीटा का ये मैग्नीट्यूड निकाला जो यहां से आया और डायरेक्शन निकाला वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन क्या होगा, वाई वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर, ये आंसर। बट इसमें थोड़ा सा एक्स पावर टी मतलब एक्स ट्रांसपोज ऐसे करके कुछ कुछ दिया हुआ है, चारों ऑप्शन आप अगर चेक करें तो एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है ना, एक्स ट्रांसपोज वाई ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लिखा हुआ है ये दोनों डॉट प्रोडक्ट, बगल में वाई लिखा हुआ है और क्वेश्चन ने एक्स और वाई को वेक्टर बोला है, एक्स और वाई को वेक्टर बोला है, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय में वाई इंटू वाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। दूसरा वाला एक्स क्रॉस वाई वो तो होना नहीं है किसी तरीके से, इस चीज से ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सी ऑप्शन में अगेन क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, एक्स क्रॉस वाई डिवाइड बाय वाई ट्रांसपोज इंटू वाई, ये तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्रॉस प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता, यहाँ कहीं आ ही नहीं सकता। इसके बाद x ट्रांसपोज y डिवाइड बाय x डॉट x ट्रांसपोज इनटू x और बगल में फिर x दिया, वो भी नहीं है, y ही होगा डिवाइड बाय।
तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर ए है इसका, तो हम लोग इसमें ए आंसर टिक करेंगे। और इसके टर्मिनोलॉजी अलग है, हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया इसके टर्मिनोलॉजी अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर ये सही है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन जो आया हुआ है, इन द ट्रस शोन इन फिगर द फोर्स इन द मेंबर बी डी इन किलो न्यूटन इज, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जीरो फोर्स मेंबर हमने सिखाया था और डायरेक्टली आपको जीरो फोर्स मेंबर से ही इसको निकालना था। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्टली आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, जल्दी जल्दी हम लोग कर देते हैं। ये रहा अगेन, ये यहाँ से नहीं है बेसिकली, ये यहाँ से ऐसा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ से ये कैसे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है एंड दिस फोर्स इज 2 kN, ओके, एंड हियर 5 kN फोर्स इज एक्टिंग एंड हियर दिस इज एफ, दिस इज डी, दिस इज जी, दिस इज सी, एच, ए, बी एंड ई। ये रहा डायग्राम, क्वेश्चन पूछ रहा है बी डी मेंबर, सो बी डी मेंबर ये वाला है, यू कैन सी दिस क्लियरली। अच्छा, बी डी मेंबर में ये वाला ज्वाइंट आप एनालाइज करिए, इस ज्वाइंट को मैं अलग से दिखा रहा हूं, तो एक ये वाला मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया और ये तीसरा मेंबर हो गया। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ देयर आर 3 मेंबर्स, आउट ऑफ 3 मेंबर्स 2 मेंबर्स आर कोलिनियर, 2 मेंबर्स आर कोलिनियर, सो द थर्ड मेंबर विल हैव 0 फोर्स। वजह क्या है कि ये कोलिनियर मेंबर्स हैं, तो अगर एक्स डायरेक्शन को फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वाई डायरेक्शन को फोर्स बैलेंस करने के लिए अगर ऊपर वाले मेंबर में फोर्स है तो नीचे भी फोर्स होना पड़ेगा, सो दैट द फोर्स कैन बी बैलेंस्ड एंड दिस ज्वाइंट कैन बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ऑफ कोर्स इसमें फोर्स ऑन बीडी मेंबर 0 होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सो लेट मी डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन विच इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि देयर इज अ यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है, किसी रॉक का सैंपल है, दिस इज द रॉक सैंपल, और इस रॉक सैंपल के नीचे वाला हिस्सा ये फिक्स करके रखा हूँ, मैं डायग्राम आपसे ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्टली। उसके बाद इसके टॉप जो पोर्शन है इसमें 120 किलो न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे के रखा है कि फेलियर प्लेन है, ये टूटेगा कैसे, तो कुछ ऐसा टूट रहा है और एंगल भी उसने दे के रखा है बेसिकली 60 डिग्री, ओके। और इस फेलियर प्लेन में उसने कहा शेयर स्ट्रेस आएगा कुछ और कुछ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, शेयर स्ट्रेस टाउ इसने कह रखा है और नॉर्मल स्ट्रेस इसने सिग्मा एन कह के रखा है। अब क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, इन अ यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अ रॉक सैंपल ऑफ डायमीटर, अगर टॉप से देखेंगे तो यू विल सी द डायमीटर, इट इज 50 mm, fails at an angle of 60 degree as shown in the figure. If the peak load at failure is 120 kN, it is given the question. Normal and shear stress on the plane, failure of plane in megapascal, units are very important. So it is asking normal stress is what and shear stress kya hai in megapascal. Okay, so you will get the answer very easily. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं बेसिकली, एक तो हमारा मोहर सर्कल मेथड है जो कि बिल्कुल इजी कर देता है, दूसरा फॉर्मूला मेथड है। मैं यहाँ पे अभी मोहर सर्कल मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरी जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन है इसको अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड वे रहता है हमारा, एक पॉइंट को ऐसे दिखाते हैं एक बॉक्स के तरीके से, आप लोगों ने इसी तरीके से पढ़ा होगा, दिस इज द स्ट्रेस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो उसको हम इस तरीके से बॉक्स के तरीके से दिखा देते हैं। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐसे लग रहा है, हम उसे एज इट इज दिखा देंगे। ये फोर्स की वैल्यू 120 kN है और इस एरिया को गिवन है, टॉप का एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 50 mm डायमीटर है, वी विल गेट द एरिया, सो द एरिया विल बी पाई बाय 4
and d square means 50 square. So stress, compressive stress, kya hoga? So it will be 120 kilonewton. So 10 to the power 3 divided by area. Area is what? Pi by 4 and 50 square. So here compressive stress is coming out to be 61.1 megapascal. How it is megapascal? Units are very important. It is newton and it is mm square. So 1 newton mm square is nothing but 1 megapascal. ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन, अदरवाइज फिर मेगा पास्कल के कैलकुलेशन में ही आधा टाइम निकल जाता है. तो हमें पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज 1 मेगा पास्कल. तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. तो इसमें हमें 61.1 मेगा पास्कल डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग. केवल आपको फोर्स और एरिया डिवाइड करना है, राइट? 61.1 मेगा पास्कल. ओके, नाउ इसमें आप एक यहां से कुछ भी ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दें और आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके 60 डिग्री का एंगल गिवन है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो हम इसको अब मोहर सर्कल में ड्रॉ करते हैं. मोहर सर्कल का तरीका हमने आपको सिखाया था कि टू ड्रॉ द मोहर सर्कल व्हाट विल डू कि सबसे पहले हम इस प्लेन को लेते हैं. इस प्लेन का नाम दे देते हैं ए सपोज. इसमें नॉर्मल स्ट्रेस लगने वाला कितना है? जीरो. और शियर स्ट्रेस लगने वाला है जीरो. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें ड्रॉ करते हैं. तो एक्स एक्सिस में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं सिग्मा सिग्मा और वाई एक्सिस में हम शियर स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं टाउ टाउ. तो यहां माइनस सिग्मा होगा और यहां माइनस टाउ होगा. और जो ये प्लेन है जिसको हम लोग ये एक्स प्लेन कह सकते हैं, इस एक्स प्लेन को कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो पहले हम उसमें नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है वो देखते हैं और फिर शियर स्ट्रेस. ए पॉइंट को ड्रॉ करना है तो दिस इज द ए पॉइंट बिकॉज 0 0 पॉइंट इज द ए पॉइंट. Similarly, we will see the B point. So B point हम इसको assume करते हैं ये वाला. So this is what the B point here we have. नीचे वाला भी हम assume कर सकते हैं, ऐसा कोई issue नहीं है, same direction रहती है. तो नीचे वाला suppose हमने assume कर लिया, this is the point B. B point के अगर coordinate हम लोग देखें तो normal stress is -61.1 and shear stress is 0. So basically the point will be this. This is the point of B. So this is B point and it is its coordinate is 61.1, 0. Okay, now we will add these two points and we will draw a circle by like this by taking the radius of half of 61.1. So this value is the radius of Mohr circle is here will be half of this 61.1. So हम डायरेक्टली इस रेडियस को लिख सकते हैं. वी कैन राइट द डायरेक्टली दिस रेडियस एज इट विल बी 30.55 मेगा पास्कल. द रेडियस ऑफ दिस मोहर सर्कल विल बी. नाउ व्हाट वी विल हैव टू गेट, हमें क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है ये प्लेन निकालना है. लेट्स सी कि ये प्लेन होगा कहां. तो हम लोगों को बी पॉइंट पता है और O से ये जो सेंटर है सेंटर से B पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो वो ये प्लेन है, तो वो नीचे वाला प्लेन है. अगर हम लोग सेंटर से B पॉइंट को जोड़े तो बेसिकली वो कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है. इस प्लेन से हमें किस डायरेक्शन में जाना है? हमें जाना है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. इस प्लेन से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इधर जाएंगे, ये 90 डिग्री है. हमें जाना है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. और हमने एक और चीज सीखा था, यहाँ पे थीटा एंगल चलते हैं तो यहाँ 2 थीटा एंगल चलना पड़ता है. यहाँ थीटा एंगल चलते हैं तो यहाँ 2 थीटा एंगल चलना पड़ता है. तो यहाँ अगर हम 60 डिग्री पर जाकर ये प्लेन हमें मिल रहा है तो यहाँ 60 × 2 मीन्स 120 डिग्री पर ये वाला प्लेन मिलेगा जहां पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस पूछ रहा है. तो 120 डिग्री कहीं यहाँ होगा. वी कैन सी हियर 120 डिग्री, इट इज 120 डिग्री. तो ये प्लेन है, इस प्लेन पर हमें शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए. बेसिकली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये जो नीचे पॉइंट दिया है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए. तो सिग्मा एन हमें डायरेक्टली मिल जाएगा और टाउ मिल जाएगा. सिग्मा एन और टाउ डायरेक्टली इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल देंगे, ज्योमेट्री से सिंपल सॉल्व हो जाएगा. ये रेडियस हम पहले से जानते हैं. अगर एक हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और ये पूरा का पूरा एंगल होगा 180, इसको यहाँ से घटा दें तो ये 60 डिग्री बचेगा. और ये रेडियस की वैल्यू हम लोग जानते हैं तो वी कैन गेट दिस वैल्यू
ओके सो व्हाट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ हियर टू हियर, है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो ये वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग कहेंगे कि रेडियस की वैल्यू है यहाँ पे 30.55, तो 30.55 cos 60, ओके सो ये वैल्यू होगी यहां तक। अच्छा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा यहां से यहां तक, ये वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस, ये होगी सिग्मा एन। तो सिग्मा एन क्या होगा? रेडियस में से ये वैल्यू घटा देंगे, रेडियस में से ये वैल्यू घटा देंगे, तो रेडियस कितनी है यहां पे 30.55 माइनस 30.55 cos 60। यहां से 1 माइनस cos 60 30.55, इसको आप सॉल्व करेंगे, वी विल यूज द कैलकुलेटर एंड वी कैन गेट द डायरेक्टली द वैल्यू हियर एज हियर 15.28 मेगा पास्कल, वी विल गेट डायरेक्टली दिस वैल्यू, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस हियर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस हियर। One second, we have the options here, yes, 15.28, this is the value of normal stress here, 15.28, yes, A number option, I think this is the, A number option, 15.28, और shear stress की value क्या होगी? तो shear stress क्या होता है? तो shear stress यहाँ पे, ये value होगी, ये shear stress की value है, क्योंकि हमें coordinate चाहिए इस point, ये value क्या हो जाएगी? ये जो वर्टिकल हाइट होगी तो ये हो जाएगा बेसिकली 30.55 sin 60, ओके और 30.55 sin 60 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 26.46 मेगा पास्कल एंड ऑप्शन ए में यहां पे दिया हुआ है कि नॉर्मल स्ट्रेस इज 15.28 और शेयर स्ट्रेस इज 26.46। ये इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में सफल करके दिया हो सकता है कि ऑप्शन सी दिया हो, सी ऑप्शन डी दिया हो, बट आंसर यही है। ठीक है, ये एक तरीका है, ये मोहर सर्कल वाला तरीका है, बहुत इजी तरीका है। अगर आपसे मोहर सर्कल एक बार आने लगे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फेल है, आपको जस्ट कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और चीजों का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसी चीज को फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस थिंग थ्रू द फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो भी फॉर्मूला लगेगा लेट्स डिस्कस विद द फॉर्मूला। मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूं, टेक द स्क्रीनशॉट। जो भी फॉर्मूला यहां पे लगेगा नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का, बहुत केयरफुली सुनिए, वो एक्स प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वैलिड था और अगर ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा। एक्स प्लेन से, इस वाले प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज के लिए फॉर्मूला वैलिड था, सिग्मा एन की वैल्यू और टाउ एस की वैल्यू, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। और ये जब डेरिवेशन हमने किया था तो हमने ये थीटा की वैल्यू यहां से लिया था बेसिकली। तो ये वैल्यू क्या होती है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा, ओके। और दूसरा ऐसे टाउ एस का फॉर्मूला था माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ओके। तो ये अब टाउ एक्स वाई तो हमारे पास यहाँ है नहीं किसी प्लेन में, यही है। इसमें भी सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो और सिग्मा वाई की वैल्यू आपको पुट करना है माइनस 61.1 मेगा पास्कल और थीटा की वैल्यू आपको पुट कर देना है 30 डिग्री। आप ये तीनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में पुट करिए एंड डायरेक्टली गेट द आंसर। तो ये तो और आसान तरीका है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला वैलिड कहाँ पे है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए ही वैलिड है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैंने इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में ही मेरे मोहर सर्कल बना और डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हार्डली इसमें 15 सेकंड टाइम लगेगा मोहर सर्कल मेथड में, बट प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसमें एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टू वेटलेस केबल्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग एज शोन इन फिगर, दे आर कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइट बार ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ एफ, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बोथ केबल्स केबल 1 एंड केबल 2 इज गिवन 50 गीगापास्कल एंड 200 गीगापास्कल रेस्पेक्टिवली, इफ द डिफॉर्मेशन इन बोथ द केबल्स इज इक्वल डिस्टेंस एक्स इन मीटर, और वो कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ करके 1 डेसिमल में आप लिखिए। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है,
जो जो गिवन डेटा है एक बार मैं इसी में दे देता हूं आपको। जैसे कि इसमें दिया है कि केबल है, दो केबल्स, इनकी लेंथ इक्वल है, तो मान लेते हैं कि लेंथ ये दोनों इक्वल है। इससे एक नीचे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल कोई बार है वो लटका हुआ है और इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, ओके। और ये यहां से एक्स मीटर पर एक्ट कर रहा है इस केबल वन से। ये केबल वन है हमारा, केबल वन है, दिस इज केबल टू। अच्छा, इस केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और यहाँ भी ए है, बट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50 गीगा पास्कल और यहाँ पे दिया हुआ है ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल। ये डिफरेंट है थोड़ा सा। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ की, ये जो बार है ये 1 मीटर का दिया हुआ है। तो अगर ये एक्स है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स यहाँ से ये रहा। अब वो कह रहा है एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करिए इन मीटर, तो कैसे होगा आप देख लेते हैं। देखिए, एज दिस फोर्स विल एक्ट इन बोथ ऑफ द केबल्स, तो होगा क्या कि दोनों केबल्स में डिफॉर्मेशन होगा, दोनों केबल्स में डिफॉर्मेशन होगा और दोनों केबल में डिफॉर्मेशन की वैल्यू सेम होगी, ये अच्छी बात है। तो चेंज इन लेंथ एज पर हुक्स लॉ होता है PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। तो P लोड होता है, L होता है ओरिजिनल लेंथ एंड एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, T इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। केबल 1 के केस में E की वैल्यू E1 ले लेते हैं, केबल 2 के केस में E की वैल्यू E2 ले लेते हैं। अच्छा, एज दिस फोर्स विल एक्ट, केबल 1 में सपोज कि एक फोर्स लगेगा, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो केबल 1 को क्या महसूस होगा, तो आप देखेंगे केबल 1 को एक ऐसे फोर्स महसूस होगा P1, या फिर F1 लिख सकते हैं, F1 लिख देता हूं, F1। और ये केबल 2 को ऐसा महसूस होगा कि इसको जैसे F2 फोर्स लगाया जा रहा है, नीचे को खींचा जा रहा है। बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज ये एक्सटेंड होंगे और दोनों में सेम एक्सटेंशन होगा, जितना एक्सटेंशन इसमें होगा उतना ही एक्सटेंशन इस केबल में होगा, सो दैट ये बार क्या हो सके, हॉरिजॉन्टल रह सके, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। नाउ यहां पे मैं चेंज इन लेंथ दोनों का इक्वेट कर दूंगा तो क्या होगा, F1 L अपॉन AE1 इक्वल्स टू F2 L अपॉन AE2। अब दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, एरिया सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे बनेगा क्या, F1 डिवाइड बाय F2 इक्वल्स टू E1 डिवाइड बाय E2। यहां पे E1 की वैल्यू है 50 एंड E2 इज गिवन हियर 400 200, तो ये हो जाएगा 1/4। ये एक रेशियो है जो F1 अपॉन F2 का है, वो आया 1/4। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या लग सकती है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो ये F किसके बराबर होगा, E1 प्लस सॉरी ये जो F होगा नीचे की ओर जो लग रहा है, ये दोनों बराबर होगा F1 प्लस F2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमारी अभी बात नहीं बनेगी, तो हम लोग एक मोमेंट का प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, जैसे अगर इस पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट ले लें तो उससे बात बन जाएगी। तो इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले लेते हैं, राइट। और ये केबल फिलहाल मूवमेंट इक्विलिब्रियम में भी होगी, कोई भी इसमें रोटेशन नहीं हो रहा, तो ये मूवमेंट इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहीं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, आइदर वी कैन टेक मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ये पॉइंट मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या हो, तो टेक द मूवमेंट ऑफ दिस ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बार, ये बार में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका मूवमेंट ले लेंगे। तो अब देखो बार का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ड्रॉ करें ना, तो ये बार है 1 मीटर का, इस पे एक फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, दिस इज F1, एक फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, दिस इज F2, और नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है F, और ये F यहां से लग रहा है x डिस्टेंस पे, ऑब्वियसली यहां से यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी 1 - x मीटर। तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगा, तो F2 into ये टोटल लेंथ 1, ये होगा सपोज एंटी क्लॉकवाइज, इसको प्लस ले लें तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है F, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे x से, तो F into x, ऑब्वियसली अगर इसको हमने प्लस लिया तो ये माइनस होगा, और इस F1 का मोमेंट खुद एक ही पॉइंट के अबाउट होगा तो वो जीरो होगा, तो इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग जीरो, ठीक है। तो यहां से F2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F आ जाएगी, और यहां से हमें बेसिकली यहां से हम लोगों को बेसिकली एक इक्वेशन मिल जाएगी यहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये F2 की वैल्यू निकालते हैं F into x, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन ये हमारे पास थी, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, एक तीसरी इक्वेशन भी हमें मिलेगी फोर्स बैलेंस से। तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है F और ऊपर की ओर लग रहा है F1 प्लस F2, ऐसा करके फोर्स लग रहा है, ओके।
सो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, F1 अपॉन F2 की वैल्यू चाह रहे हैं, हम लोग F1 अपॉन F2 की वैल्यू चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से F2 को बाहर निकाल लेते हैं। F इक्वल्स टू F2, तो यहाँ से बन जाएगा F1 अपॉन F2, ओके, F1 अपॉन F2, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, ओके। सो यहाँ से F2 की जगह हम लोग रख देते हैं F इंटू एक्स, F2 की जगह हम लोग रख देते हैं F इंटू एक्स, तो F इक्वल्स टू F इंटू एक्स, और ये F1 अपॉन F2 की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो 1/4 प्लस 1 ऐसे करके आ जाएगा, F एंड F कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ 4/4, 5/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/5 मीटर, 4/5 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीन इक्वेशन का खेल है और तीन इसमें तीन इक्वेशंस हैं, उन तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू आती है 0.8 मीटर, उसने कहा भी है कि आप मीटर में निकालिए और डेसिमल के वन प्लेसेस में निकालिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा मैंने किया क्या। बेसिकली क्वेश्चन गिवन है कि ये दोनों रॉड हैं या केबल्स हैं, इन दोनों केबल्स में डिफॉर्मेशन सेम हो रहा है, सो दैट ये जो बार है आफ्टर डिफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल रहता है। मैंने दोनों के डिफ्लेक्शन जो एज पर हुक्स लॉ आते हैं दोनों को हमने कर दिया इक्वेट, लेंथ सेम थी, एरिया सेम था, F1 अपॉन F2 की वैल्यू हमने निकाल दिया A1 अपॉन A2, और उसी से हमें वी गॉट द वैल्यू ऑफ 50 अपॉन 200 1/4। ऐसे हमने जब जब हमने फोर्स मोमेंट निकाला इस बार का FBD बनाया और मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट निकाल लिया, या फिर आप इस पॉइंट के भी अबाउट निकाल सकते थे, आंसर आएगा इस पॉइंट के अबाउट निकाला, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था F2 इनटू 1, उसको प्लस ले लिया, तो ऑब्वियसली दूसरा जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको माइनस लेना पड़ेगा। यहां से हमें F2 की वैल्यू मिल गई। देन हम फोर्स बैलेंस लगाएंगे, नीचे की ओर जाने वाला फोर्स F है और ऊपर की ओर जाने वाले फोर्स है F1 प्लस F2। यहां से मैंने F2 कॉमन ले लिया, सो दैट F1 अपॉन F2 यहां बन जाए और उसकी वैल्यू में 1/4 डायरेक्टली पुट कर सकते। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 0.8। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और इसमें मैक्सिमम जो टाइम लगने वाला था वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, और इस तरीके से सोम और मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, होपफुली आपसे बन गए होंगे।